Good afternoon to all of you. Respected Dr. S.K. Som, sir, Director Nam, Mr. George, Chief Finance Officer, and all friends, today this is the last session of the training program. So at the outset, I'll request Mr. George to present a bouquet to Director Nam. In this 5 working day program, the major events of the, I'll just read out the report in brief. There were 50 participants, of which 11 were section officers, 14 were assistant administrative officers, 6 assistant finance and accounts officer, and 19 assistants. Out of 50, 11 female candidates participated and 39 male candidates. And the distribution of the institutes are ICR headquarters, 12 members have participated, and from the institutes, 38. मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे दोस्तों ने साथियों ने मुझे यहाँ बोलने के लिए बोला है. जो हमारी ट्रेनिंग थी ये काफ़ी अच्छी थी और ऑल दी फैकल्टीज वर वेरी गुड. हमें काफ़ी गेन किया इससे और काफ़ी स्किलफुल थी हमारे लिए. हमें कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट नहीं है. जब घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं. तो 8 दिन के लिए आए हैं तो ऐसा लगा नहीं कि हम अपने घर से बाहर हैं. अपने घर में एक बाहर होते हुए अपने घर में फील कर रहे थे. कुछ दोस्तों को कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी सकती है, पर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी. क्योंकि जब इतने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चलता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती भी है, ऐसी कोई वो नहीं थी. सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी हमारे लिए आएगी. और हमें अभी दास साहब ने 10 मोटिवेटर्स बताए थे लास्ट में. तो मेरे कई कुलीग जो सेक्शन ऑफिसर हैं या मैं डबल ले हूँ, तो हमारे पास बहुत से लोग हमारे सबॉर्डिनेटर्स हैं. तो एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि हम लोग उसको ज़रा थोड़ा सा गेन करें. कुछ सेशन में सर बहुत अच्छे सेशन थे. मैं अपना ये बताऊँगा कि जैसे लास्ट सेशन पे एंड पेंशन पे था, इसका पीरियड बहुत शॉर्ट था, 7 CPC इन फोर्स. और क्या नाम, इस पर काफ़ी कुछ लोग सीख सकते थे कि अभी ये ऑपरेशन में है और चल रहा है. और सर, एक इसमें जो ई सेशन था, ई फाइलिंग और PFMS, इसमें ऑपरेशंस के लिए तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशन नॉलेज तो सबको होगी, मगर उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है. क्योंकि उसमें देर बाद मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताया नहीं है. तो अभी इन प्रोसेस है ई ऑफिस एंड ऑल्सो इन PFMS. सर, उसमें भी एप्लीकेशन में कमी थी. और सर, एक मैं कहूँगा कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सेशन लंबा होना चाहिए, कि काफ़ी पार्ट से लोग आते हैं तो वो भी एक इंटरेस्टेड है. वो भी एक इंटरेस्टिंग सेशन है सर. उसमें कई चीज़ें ऐसे हैं कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे वर्किंग में अपनी. और एक सर मेरा ये सबमिशन है कि एक प्रैक्टिकल सेशन मस्ट बी कंडक्टेड. एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन हो जिसमें अब हम लोग आए तो हैं मगर हमें ग्रुप में बैठने का मौका बड़ा कम मिला है. तो बड़ा एक शेड्यूल भी बड़ा टाइट था सर. मतलब कि जैसे फैकल्टी आई है, हम लोग लंच करके आ रहे हैं, पहली फैकल्टी लेट चली गई है, 15 मिनट वेट करना पड़े. तो इसमें भी थोड़ा सा आप सर गौर करें. एक आई केम टू नो दैट अवर बॉस सर इज़ अ वेरी गुड, मतलब कि ही इज़ अ वेरी हैविंग फाइन नॉलेज अबाउट विजिलेंस. तो इनको सर विजिलेंस पे एक आध लेक्चर ये भी हमें देते तो हमें बड़ा अच्छा लगता. और कुछ पार्ट मिसिंग था सर इसमें, एक DPC पार्ट्स, विजिलेंस पार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्पेसिफिकली ICR के लिए. तो ये पार्ट्स सर चाहिए इसमें ऐड करने के लिए. और सर, तो ट्रेनिंग सेशन एक दो दिन का और हो तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहे बंदा. क्योंकि यहाँ रिफ्रेशर कोर्स के लिए सर आए हैं तो हम उसमें बर्डन ना फील करें जो भी लोग आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो. ओवरऑल बहुत अच्छा था सर. रहने का अरेंजमेंट ठीक था, मौसम अच्छा है, खाना भी ठीक था, टाइमली टाइमिंग के हिसाब से खाना भी, किसी को कोई खास दिक्कत नहीं हुई है. क्योंकि हम दूसरी स्टेट में आए, अलग अलग स्टेट से, तो हम लोगों को अलग अलग खाना खाने का मिला है यहाँ पर.
तो सब कुछ अच्छा था सर. वी आर रियली ऑल ऑफ माई कोलीग्स वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू एंड ओके सर. Esteemed dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, it was a very fine experience in this 6 days long training. Not so long, but a very fine and fruitful training. Many arrangements were very fine, with a few hitches regarding some, I think, food problems and all. But overall, it was very fine. Somewhere we thought the application part was missing because they were more stressing on theories on the new courses actually. See, just first was EE office and PFMS. They both are introductory type of things in ICR. So I thought their applicability thing is lacking in this training. Otherwise, it was overall a very fine training program. And we have got a very beautiful relation with all our colleagues and a very fine platform. Thank you.
my friend Ashish Rai ji, Joint Director Administration Registrar, the coordinator of the program, the course director, Jio Saab, the Chief Finance and Audit Account Officer, CFAO, NAM, and the coordinator of this program, the officers and the staff of NAM, and all the dear participants. Good afternoon to you all. So first of all, congratulations to you all that this program is completed successfully, and we hope that this program will bring the change in the system, because the top objective of such kind of programs is the attitudinal changes. Skill and of course those kind of things are also there, and if I look to the attitude of this group, wonderful attitude. In fact, if we have these kind of people in our system, so definitely our system is going to be the top system in the world. What you have asked is that addition of some kind of practical lectures for PFMS, FMS, MIS, ERP, e-office, like that. Many people have written that. So, Registrar Saab, we have to think over this. And e-office, the problem is that maybe next 2 months we'll be having our own e-office, and we have to procure the demo units actually in this, because in e-office the demo provision is not there. Whatever you do, it goes into the system actual. So this demo systems you have to procure, and because NIC people are having 5 licenses for demo, but their load is very high and they have to go to, so maybe by next month we'll be having our own. So probably this e-office thing will be removed from next program, so that we'll be having this. And plus, as you said, that group exercise. So definitely I will sit with the registrar and with the CFO personally, and so that we make some kind of group exercises for this PFMS and ERP and FMS, MIS. And you have also said that some of the new topics, in fact, we should think over this, some of the new topics we should include. Vigilance has said by many people. I think we should have one lecture on vigilance, because many people have said this, that that vigilance we should have. And there are other things also people have said, but main thing is that PFMS, FMS, MIS, ERP, e-office, e-procurement, and group exercises. This is the general assessment of this group, that what we should do in our next program. Otherwise, they are happy with the other input of the program. The only thing is that your learning was good here, and we are also happy to know that when the learning, because that is our purpose, that learning should be transferred, and it has been transferred effectively. That is the achievement of our course directors and also our resource persons who have come in this program. Now we have so many friends in ICR and other institutes also, and we look forward for other different kind of collaborations, different kind of learning with each other. So thank you very much for your wonderful stay here, and everything was so good. वो पता नहीं चला कि इतना बड़ा ग्रुप हमारे नारम में रह रहा है. They were so nicely, so peacefully, and so thank you very much for this. Good afternoon to all of you. It is my privilege to propose vote of thanks. At the outset, I express my sincere thanks to Dr. Soam, Director in Charge, for presiding over the function and distributing the certificates to the participants. Thank you, sir. Thank you. For organizing any event of 6 days program, it requires a lot of planning and execution. In this process, my senior colleague, Mr. Ashish Rai, took lion's share of work. I express my sincere thanks to Rai Saab. I also express sincere thanks to DG ICR, Secretary ICR, ADG HRD, and directorates of all
institutes who have deputed their officials for this program. I also express sincere thanks to all the participants who have taken keen interest. They have come from all parts of the country. It shows their keen interest. I also wish them all the best in their future endeavor. I wish you all the best in your future endeavor. Thank you one and all. Thank you.